बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये सुन के जिस तरह के मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा और फतवे दिए जा रहे हैं। इसके पीछे पॉलिटिक्स है, वो लोग जो अपनी सियासी मौत मरते देख रहे हैं वो इसके पीछे हैं, और इसलिए मैं ये वजाहत कर रहा हूं। सबसे पहले, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर दो, मैं कुरान पढ़ी हुई है, मैं अपनी जिंदगी कोशिश करता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, उनकी जो सुन्नत है, जो हमें उनकी जिंदगी पे अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता हूं। मेरा ईमान अल्लाह पे है, मैंने कुरान पढ़ी हुई है। जो इंसान हमारे नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। इसलिए ये कहना कि मैं कोई तरीके इंसाफ इकतदार में आके 73 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करेगी कायदियानों के मुतलक, ये बिल्कुल झूठ है और प्रोपेगेंडा है। जो लोग मेरे खिलाफ फतवा देते हैं मेरे से पूछे बगैर, इनको पता होना चाहिए कि ये गुनाह कर रहे हैं। जब जज फैसला करता है दो फरीक की बात सुन के करता है। इन्होंने क्यों नहीं मेरे से पूछा? क्या इनका हक नहीं बनता था मेरे से पूछना? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके पीछे जो साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पे, जिन्होंने एक दफा मुझे यहूदी लॉबी के ऊपर कहा था, वो इसके पीछे, इस प्रोपेगेंडा के पीछे। मैं ये वाजे करना चाहता हूं फिर से कि मैं एक दोगला इंसान नहीं हूं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये मेरा यकीन है। विकीलीक्स ने ये कहा था कि सारे पाकिस्तानी सियासतदान अमरीकनों को कुछ कहते हैं बंद दरवाजे के पीछे और पब्लिक में कुछ कहते हैं, स्वाय एक सियासतदान के जिसका नाम इमरान खान था। जो मैं आपसे कह रहा हूं और जिसमें एक मौलाना हजरत जो इसके पीछे हैं उनके मतलब उन्होंने कहा था कि हमें कहते हैं कि अमेरिकन कहते हैं हमें मुझे वजीर आजम बना दो, जो काम चाहते हैं मैं आपके लिए कर लूंगा, और पब्लिक में आपका उन्होंने स्टांस देखा हुआ है। मैं अपनी फिर से क्लियर करता हूं, मैं ये किसी के लिए नहीं कह रहा, ये मेरा ईमान है। मैं अपने ईमान की बात कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी ईमान के ऊपर गुजारता हूं। तहरीक इंसाफ का जो नस्बुलैन है, ईया कनाब दो ईया कनस्ताइन, हम सिर्फ अल्लाह के ऊपर से डरते हैं। मैं किसी से डर के ये बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ तकलीफ है कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी तौर के ऊपर, मेरे दीन को चैलेंज किया जा रहा है जिसके ऊपर मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूं।